गुजरात में आधी रात को फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट में 9 मजदूर घायल। कोरोना से बड़ी राहत, 50,000 से नीचे पहुंची दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या। AIMIM सांसद अज़ुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान, ट्वीट कर कहा एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। सियासी सुबुगाहट हुई तेज, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग होगी कल। जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट की आफ्टर पार्टी में हुआ हादसा, 3 लोगों पर चली गोलियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट सबसे VIP सीटों में से एक है, लेकिन इसी सीट पर केंद्रीय कानूनी राज्य मंत्री और करहल से BJP प्रत्याशी SP सिंह बघेल के साथ नुक्कड़ सभा के दौरान अभद्रता का जो वीडियो है वो सामने आया है। नुक्कड़ सभा के दौरान कुछ युवक हल्ला मचाने लगे और इस दौरान जुबानी जंग, गाली गलौज तक पहुंच गई। जो युवक मंत्री का विरोध कर रहे थे उन्होंने गालियां दी, हालांकि इसके जवाब में मंत्री ने किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही आपको बता दें कि घटना करहल विधानसभा क्षेत्र में मीठेपुर के पास कुम्हेरी गांव में जनसभा के दौरान की है। वही घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घटना करहल विधानसभा क्षेत्र में मीठेपुर के पास कुमेहरी गांव की बताई जा रही है, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भी माइक पर कई तीखे जवाब दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं मैनपुरी से, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नुक्कड़ सभा के दौरान अभद्रता का जो वीडियो है वो सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी SP सिंह बघेल के साथ नुक्कड़ सभा के दौरान अभद्रता का जो वीडियो है वो सामने आया है। नुक्कड़ सभा के दौरान कुछ युवक हल्ला मचाने लगे और इस दौरान जुबानी जंग, गाली गलौज तक पहुंच गई। जो युवक मंत्री का विरोध कर रहे थे उन्होंने गालियां दी, हालांकि इसके जवाब में मंत्री ने किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि घटना करहल विधानसभा क्षेत्र में मीठेपुर के पास कुम्हेरी गांव में जनसभा के दौरान की है और वही घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। तो मैनपुरी से सीधे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहपुर में योगी के मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रामीणों ने जय कुमार जैकी के खिलाफ नारे लगाए हैं। बसपा प्रत्याशी के सामने जमकर नारेबाजी की गई है। बता दें कि जनसंपर्क करने गए थे बसपा प्रत्याशी, बिंदकी विधानसभा के शहबाजपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, ग्रामीणों ने जय कुमार जैकी के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। तो फतेहपुर से ये बड़ी खबर है, योगी के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बताना चाहेंगे आपको कि ग्रामीणों ने जय कुमार जैकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बसपा प्रत्याशी के सामने ये जमकर नारेबाजी हुई है और जनसंपर्क करने के लिए बसपा प्रत्याशी वहां पर गए हुए थे, इस दौरान ये नारेबाजी की गई है और बिंदकी विधानसभा के शहबाजपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार अब भिखारियों पर नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मोदी सरकार अब भिखारियों पर नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी पोर्टल पर नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित भिखारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा। शनिवार को भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारी के अपराधीकरण पर जोर दिया है। वहीं पिछले सर्वे के मुताबिक सबसे कम भिखारियों की संख्या लक्षद्वीप में थी और वहीं
अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पर भिखारियों की संख्या पर बात करें तो आंकड़े के मुताबिक यहां पर 65,838 भिखारी हैं। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सरकारी पोर्टल पर अब इसकी जो जानकारी है वो मौजूद होगी। जो भिखारी हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए ये नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और जल्द ही अब इनकी जो गिनती है वो इसमें शामिल की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, केंद्र सरकार अब गिनती की पूरी तरह से जो तैयारी है वो शुरू कर रही है, जो डेटाबेस है वो तैयार किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से ये जो पूरा डेटाबेस है वो तैयार हो रहा है। सरकारी पोर्टल पर नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित भिखारियों की संख्या का जो अनुमान है वो इस डेटाबेस के तहत तैयार किया जाएगा और पैमाने पर अभ्यास शुरू करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और शनिवार को भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास के लिए जो राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई उसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारी के अपराधीकरण पर भी जोर दिया है। तो ये जो डेटाबेस तैयार हो रहा है राज्य स्तर पर, उसको देखते हुए जो अपराधीकरण है उन पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। और पिछले सर्वे की अगर बात करें यहाँ पर, तो पिछले सर्वे के मुताबिक सबसे कम भिखारियों की जो संख्या है वो लक्षद्वीप में थी। तो ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें यह साफ हो जाएगा कि भिखारियों के कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले जो डाटाबेस था उसको देखते हुए ये सामने आया था कि जो लक्षद्वीप है उसमें भिखारियों की जो संख्या है वो यहाँ पर सबसे कम पाई गई थी। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भिखारियों की जो संख्या है उनका जो आंकड़ा है वो 65,838 मौजूद किया गया है। तो ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसमें भिखारी और जो ट्रांसजेंडर हैं इन दोनों का जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलंदशहर के सिकंदराबाग औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में बॉयल फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई है। सिकंदराबाद के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने यह बताया इस पूरे मामले में कि औद्योगिक क्षेत्र में जींस डाई करने वाली एक फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई और उनकी पहचान खानपुर के गजेंद्र और ऊंचा गांव के सचिन के रूप में की गई है। साथ ही साथ पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बुलंदशहर में पोस्टमार्टम अब उनका कराया जा रहा है और दुर्घटना के कारणों की जो जांच है वो लगातार पुलिस यहां पर कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई है। मौके पर पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद रहे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही साथ जो पुलिस है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से लगातार आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सिकंदराबाग औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई है और सिकंदराबाद के थाना प्रभारी जो है जितेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने ये बताया है कि औद्योगिक क्षेत्र में जींस डाई करने वाली एक फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई है और उनकी जो पहचान हुई है वो खानपुर के गजेंद्र और ऊंचा गांव के सचिन के रूप में यहां पर की गई है। बताना चाहेंगे आपको कि पुलिस ने दोनों शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जींस डाई करने वाली फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो फैक्ट्री है वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और इस दौरान दो श्रमिकों की मौत भी हो गई है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से है, जहां पर बदमाशों के हौसले जो हैं वो काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां पर बदमाशों का बोलबाला है, पत्रकार पर बदमाशों ने हमला किया है। बताना चाहेंगे कि घर लौटते समय जमकर पत्रकार की पिटाई की गई और इस पूरी मारपीट का जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं अभी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
एफआईआर दर्ज कर ली गई है उन पर, और ये बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो नजीराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सामने निकल कर आई है, जहां पर जो बदमाश हैं उन्होंने पत्रकार पर हमला किया है। कानपुर का ये पूरा मामला है, कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों का जो बोलबाला है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जो पत्रकार है उस पर बदमाशों ने हमला किया है। घर लौटते वक्त जमकर पिटाई की गई है। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और अभी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना यह है इस पूरे मामले में कि एफआईआर जो है आरोपियों के खिलाफ वो दर्ज कर ली गई है और कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है मेरठ से, जहां पर मेरठ पुलिस ने एक बार फिर डीएम के आदेश पर सोतीगंज के शातिर कबाड़ी हाजी इकबाल के सोतीगंज रविंदपुरी में बने गोदाम और मकान वाहनों के स्पेयर पार्ट वीडियोग्राफी करते हुए कुर्की की कार्रवाई की है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत जो है वो करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर नोटिस को भी यहां पर चस्पा किया है और एसपी कैंट सूरज राय सार्वजनिक रूप से आदेश पढ़कर सुनाए हैं। कार्रवाई के दौरान बताना चाहेंगे कि सोतीगंज में कबाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई। इससे पहले भी पुलिस ने इकबाल की 10 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया है। वहीं अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है मेरठ से। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कबाड़ी हाजी गल्ला की 8 करोड़ की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है और पुलिस ने पहले भी ये बड़ी कार्रवाई की है। 10 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने पहले भी जब्त की है। वहीं बताना चाहेंगे पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर जो नोटिस है वो चस्पा किया है। कबाड़ी हाजी गल्ला के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस टीम के द्वारा। हाजी इकबाल के सोतीगंज रविंद्रपुरी में बने गोदाम और मकान वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की वीडियोग्राफी करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है और जब्त की गई संपत्ति की जो कीमत है वो करीब 8 करोड़ रुपए लगभग बताई जा रही है और इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर जो नोटिस है वो चस्पा किया है और एसपी कैंट सूरज राय ने सार्वजनिक रूप से आदेश पढ़कर भी यहां पर सुनाया है। कार्रवाई के दौरान सोतीगंज में कबाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है, वो वहां पर मौजूद नजर आई है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी पुलिस ने इकबाल की 10 करोड़ की संपत्ति की कुर्की करने की जो कार्रवाई है वो पहले भी की जा चुकी है। तो मेरठ से लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इकबाल की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है यहां पर और जो संपत्ति कुर्क की गई है उसकी जो कीमत है वो लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस दौरा है। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करेंगे और प्रत्याशी अंजुला मोहर के समर्थन में जनसंपर्क भी करेंगे। शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं अंजुला मोहर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। लगातार जो सभी पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी हुंकार में लगे हुए हैं, लगातार चुनाव के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी बीच भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका आज हाथरस का दौरा है। प्रत्याशियों के समर्थन में वो आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बताना चाहेंगे आपको कि प्रत्याशी अंजुला मोहर के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे और साथ ही साथ शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं अंजुला मोहर। तो प्रत्याशियों के समर्थन में स्वतंत्र देव सिंह आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अंजुला मोहर जो है भाजपा की प्रत्याशी हैं ये शहर विधानसभा सीट से, उनके समर्थन में स्वतंत्र देव सिंह आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला किया गया है। जी हाँ,
अज्ञात बदमाशों ने प्रत्याशी की कार पर फायरिंग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमरोहा से बता रहे हैं आपको, जहां पर बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने प्रत्याशी की कार पर फायरिंग की है और कार के बोनट पर गोली के जो छर्रे हैं वो लगे पाए गए हैं। मतदान से एक दिन पहले प्रत्याशी पर हमला किया गया है। पुलिस मामले की लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। तो जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव कल दूसरे चरण का चुनाव है यानी कि 14 फरवरी को, बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर जो बसपा प्रत्याशी है नावेद अयाज उन पर जानलेवा हमला किया गया है। तो बड़ी खबर अमरोहा से इस वक्त की सामने आ रही है, बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने प्रत्याशी की कार पर फायरिंग की है और आपको बताना चाहेंगे कि कार के बोनट पर गोली के जो छर्रे हैं वो लगे हैं। मतदान के एक दिन पहले प्रत्याशी पर हमला हुआ है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला किया गया है और अज्ञात बदमाशों ने प्रत्याशी की कार पर फायरिंग की है। कार के बोनट पर गोली के छर्रे लगे हैं। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल होगा और आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। 9 जनपदों की 55 सीटों पर कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वहीं जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए वो पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। पुलिस फोर्स समेत पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो पूरे समय तैनात रहेगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से यह सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी खबर है। 9 जनपदों की 55 सीटों पर कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होने वाला है और चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान है जिस तरह से, और उसको देखते हुए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना होंगी। 9 जनपदों की 55 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा और पुलिस फोर्स समेत पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। तो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पुख्ता जो इंतजाम है वो किए जा चुके हैं। पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है और पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात की गई है क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह के अराजकता ना हो इसको लेकर पूरा इंतजाम है यहाँ पर। तो पुलिस फोर्स जिस तरह से तैनात की गई है, साथ ही साथ कई और बड़ी फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। तो पोलिंग पार्टियां आज पूरी तरह से रवाना की जा चुकी है। इस बीच यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति का आज हमीरपुर दौरा है। साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर में आज प्रचार करेंगी, वहीं सदर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगी। साध्वी निरंजन ज्योति तो हमीरपुर में आज वो प्रचार करने वाली है, सदर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार जो नेता है वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच साध्वी निरंजन ज्योति का आज हमीरपुर दौरा है। बताना चाहेंगे आपको कि साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर में आज प्रचार करेंगी, साथ ही साथ सदर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होने वाला है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों की 55 सीटों पर संपन्न होना है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही थी। चुनाव आयोग की माने तो दूसरे चरण में होने वाले चुनाव प्रचार पर अब रोक लगा दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है।
चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के मतदान में पश्चिमी यूपी के 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को 6 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही इन 9 जिलों से जुड़ी अन्य जिलों व राज्यों की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने की बात की जा रही है, साथ ही शनिवार की शाम को 6 बजे से ही इन सभी 9 जिलों में शराब, बियर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें भी बंद करने का आदेश दिया गया है। ये दुकानें सोमवार 14 मार्च को मतदान हो जाने के बाद ही खोली जाएंगी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना था। इन जिलों में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और आगरा की 58 विधानसभा सीट शामिल है। वहीं पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं ने जमकर मतदान किया है। चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 2022 में दर्ज आंकड़ों में 60.17% ही मतदान हुआ है और वहीं 2017 के मतदान की बात करें तो इन 58 जिलों पर 63.75% मतदान हुआ था। आंकड़ों को देखा जाए तो 2017 की तुलना में इस बार वोटिंग कम हुई है। वहीं सबसे ज्यादा शामली जिले की कैराना सीट पर मतदान हुआ है। यहां 75.17% लोगों ने वोट डाले हैं। 2017 की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरठ जिले की सरधना सीट पर 71.50% मतदान हुआ था। इसके साथ ही पहले चरण में मतदाताओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। पहले चरण के चुनाव में ईवीएम की खराबी को लेकर बहुत सी खबरें सामने आई हैं, जिस वजह से मतदाताओं को घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं बागपत जिले के एक बूथ पर अचानक लाइट चली गई, जिस वजह से मतदान कर्मियों को टॉर्च के सहारे ही मतदान कराना पड़ा था। अब देखना यह भी जरूरी है कि पहले चरण के मतदान के समय हुई गलतियों को लेकर दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव 2022 दूसरे चरण पर मतदान 14 फरवरी को होना है। वहीं बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के बारे में। वर्ष 2012 और 2017 के इन दोनों चुनावों के दूसरे चरण में सर्वाधिक 65% मतदान हुआ था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65.16% वोट पड़े थे, जबकि 2012 के चुनाव में 65% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार का ये चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है। इस चुनाव में भाजपा बनाम सपा पार्टी में टक्कर की बात की जा रही है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सपा ने पश्चिमांचल की सक्रिय पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया है। इसका असर इस चुनाव में देखा जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब शनिवार शाम 6 बजे तक का ही वक्त है। अपनी पार्टी के प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे चरण के चुनाव में शाहजहांपुर सीट से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के साथ ही आयुष राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
साथ ही पूर्व मंत्री आजम खान रामपुर से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान स्वार सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी नेताओं की चिंता और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि शनिवार शाम 6 बजे तक ही पार्टियां प्रचार कर सकती हैं। इसके बाद प्रचार पर रोक लगने जा रही है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि चुनाव प्रचार के बचे हुए वक्त में सभी दलों के नेता किस तरह जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अभी तक पार्टियों के किए गए प्रचार और काम से जनता को कितना और क्या प्रभाव पड़ा है। ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजों के दौरान ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस पार्टी से ज्यादा संतुष्ट हुई है और किसके सर पर जीत का सहरा बंधने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।